स्वागत है आपका पारिक सर की क्लास में। टुडे वी विल डिस्कस सी स्ट्रक्चर पार्ट सेकेंड। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चर इन विच वी हैव डिक्लेयर द वेरिएबल्स एंड इनिशियलाइजेशन नेस्टेड स्ट्रक्चर। अब हमें एक बात और देखनी है कि जिस तरीके से किसी भी सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप मतलब यानी इंट कैर फ्लोट पर कोई भी प्रॉपर्टीज अप्लाई की जा सकती है, जैसे कि किसी भी डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना, किसी भी डेटा टाइप का पॉइंटर क्रिएट करना, डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को फंक्शन के थ्रू पास करवाना या एरे को क्रिएट करना। इसी तरीके से यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप जो कि स्ट्रक्चर के थ्रू हो जाता है उन पर भी यही प्रॉपर्टीज अप्लाई की जा सकती है। तो आज हम इसी लेक्चर में वन बाय वन हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर टाइप का एरे कैसे क्रिएट किया जा सकता है, यानी पहले यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट होगा और उसी डेटा टाइप का एरे भी क्रिएट करना है। और जिस तरह से जैसे हमने बताया जैसे कि इंट कैर फ्लोट का एरे क्रिएट किया जा सकता है, उसी तरीके से यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का भी एरे क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इस एग्जाम्पल को समझिए। सबसे पहले तो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय नाम का डेटा टाइप क्रिएट किया जिसके तीन पार्ट हैं, आईडी नंबर, नेम एंड सैलरी। ये तीनों ही डिफरेंट डेटा टाइप्स के बने हुए हैं और मेन में इसी डेटा टाइप का एरे को क्रिएट कर लिया, यानी कि स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ये डेटा टाइप का नाम हो गया और EMP3 इसी डेटा टाइप का सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल है यानी कि एरे का नाम है जिसकी साइज तीन है। यानी जो साइज तीन है तो इसके तीन पार्ट होंगे, कौन कौन से, EMP0, EMP1, EMP2। ये उसी तरह से काम करेगा जैसे हम सिंपल एरे की बात करते हैं। तो EMP0 के तीन पार्ट्स होंगे, कौन कौन से, आईडी नंबर, नेम, सैलरी। इसी तरीके से EMP1 और EMP2 के भी यही तीनों पार्ट होंगे, आईडी नंबर, नेम एंड सैलरी, लेकिन ये अलग अलग हो सकते हैं। अब जब भी हमें इन वेरिएबल्स में वैल्यू प्रिंट करवानी है या स्कैन करवाना है तो कुछ इस तरीके से होगा। एक्सेसिंग का तरीका तो हमें पता ही है, लूप चलाया, ऑब्वियस सी बात है एरे की साइज 3 है तो लूप हमने i=0, i<3> तक हमने चला दिया और फिर प्रिंट में हमने आईडी नंबर लिया i+1 और स्कैनफ में हमने करवाया कि कौन से वेरिएबल्स को एक्सेस करना है, इस वेरिएबल्स के थ्रू कौन से स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करना है। यहाँ पर याद रखना कि स्ट्रक्चर मेंबर कौन कौन से हो गए, यहाँ पर आईडी नंबर, नेम एंड सैलरी, वेरिएबल का नाम क्या है EMP3, यानी ये एरे टाइप का वेरिएबल है। स्कैनफ में लिखा परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ EMPI.ID नंबर, यानी EMPI की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी। क्लियर हो गया लूप के अकॉर्डिंग, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो EMP0 के लिए आईडी नंबर, नेम और सैलरी को हम यूज़र से इनपुट करवाया जा सकता है और 1 होगी तो भी ये काम करेगा और 3 होगी, 2 होगी तो भी ये काम करेगा और इसी तरीके से हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एरे की और ये आउटपुट आएगा जो भी हमने प्रोग्राम पीछे की साइड में देखा, तो इसे गौर से देख लीजिएगा। फिर आता है कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का पॉइंटर क्रिएट करना। जैसे कि हमें पता है कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी भी उसी डेटा टाइप के वेरिएबल के एड्रेस पर स्टोर करता है, तो यही बात यहाँ पर है कि जब स्ट्रक्चर डेटा टाइप का पॉइंटर क्रिएट करेंगे तो वो स्ट्रक्चर डेटा टाइप के वेरिएबल्स के एड्रेस को ही होल्ड करेगा। ये वही बात है, सेम चीज़ है। और इसका डिक्लेरेशन का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम ये तो गए डेटा टाइप और एस्ट्रिक पॉइंटर नेम ये पॉइंटर हो गया, यानी कि स्ट्रक्चर डेटा टाइप का पॉइंटर क्रिएट कर लिया। और इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, यही देखिए, यानी कि पहले हमने डेटा टाइप को क्रिएट किया स्ट्रक्ट एम्प्लॉय नाम का और स्ट्रक्ट एम्प्लॉय नाम का ही हमने पॉइंटर क्रिएट कर लिया। अब ये पॉइंटर PTR स्ट्रक्ट एम्प्लॉय के वेरिएबल के एड्रेस को ही होल्ड करेगा, ये देखिए इस तरीके से, ये इसका सिंटेक्स है। स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम स्ट्रिक पॉइंटर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। और यहाँ पर हम पॉइंट, अब बात दूसरी आती है कि जब हमें पॉइंटर पता है तो पॉइंटर के थ्रू हम उस एड्रेस पर वैल्यू भी
एक्सेस कर सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। पहला केस तो ये कि पॉइंटर के पहले एस्ट्रिक लगा दूँ, जैसे कि मैं पता है कि अगर पॉइंटर के पहले एस्ट्रिक लगाएंगे तो उसका मतलब होता है वैल्यू एट एड्रेस। और दूसरा स्ट्रक्चर वेरिएबल ये भी प्रोवाइड करता है कि पॉइंटर के साथ हम एरो का यूज़ करके भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, एस्ट्रिक पॉइंटर नेम डॉट स्ट्रक्चर मेंबर, या पॉइंटर नेम एरो लगाकर स्ट्रक्चर मेंबर का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हम एग्जांपल देख रहे हैं, पहले डॉट ऑपरेटर के थ्रू पहले यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट किया, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय जिसके तीन मेंबर्स हैं, आईडी नंबर नेम सैलरी, और मेन के अंदर एक वेरिएबल यूज़ किया, वेरिएबल में हमने इनिशियलाइजेशन करवा दिया, और दूसरे लाइन में पॉइंटर भी यूज़ कर लिया उसी डेटा टाइप का, और जिसमें उसी डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हो गया है, यानी कि एड्रेस ऑफ ईएमपी। और प्रिंट हमने आसानी से करवा दिया, एस्ट्रिक पीटीआर डॉट आईडी नंबर, एस्ट्रिक पीटीआर डॉट नेम, एस्ट्रिक पीटीआर डॉट सैलरी, यानी कि जो भी इनिशियलाइजेशन में जो भी वैल्यू दी गई ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी और इसका आउटपुट इस तरह से कैसे आ जाएगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि डॉट ऑपरेटर से पॉइंटर के थ्रू कैसे हम स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका आता है एरो का यूज़ करके। फ़र्क इतना है कि यहाँ पर एस्ट्रिक हट जाएगा और पॉइंटर का नाम लिखकर हम एरो का यूज़ करके स्ट्रक्चर मेंबर का यूज़ कर लेंगे। इनिशियलाइजेशन और पॉइंटर को क्रिएट करना, उसको इनिशियलाइज करना एक ही चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ हमने प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में चेंज कर दिया, पी टी आर एरो आई डी नंबर, पी टी आर एरो नेम, पी टी आर एरो सैलरी। और पिछले वाले में हमने एस्ट्रिक पी टी आर डॉट आई डी नंबर का यूज़ किया था इसी तरीके से, और आउटपुट भी उसी तरीके से आ जाएगा। इसका पॉइंटर वाला केस समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं कि जिस तरीके से हम किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल को फंक्शन में पास कर सकते हैं। ये तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कि वैल्यू को पास करना, दूसरा तरीका होता है कि रेफरेंस को पास करना। तो सी लैंग्वेज में यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के वेरिएबल को भी इन्हीं दोनों तरीके से पास किया जा सकता है। यहाँ पर ये एग्जांपल दिखाया गया है। पहले तो ये कि स्ट्रक्चर मेंबर को कैसे पास करोगे। तो स्ट्रक्चर मेंबर का मतलब क्या हुआ, जब डेटा टाइप क्रिएट करते हैं तो उसके तीन पार्ट कौन से थे, आईडी नंबर नेम एंड सैलरी, इन्हें कैसे पास किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, फंक्शन का नाम लिखा हुआ है void show int id character emp name, यानी कि सीधे सीधे हमने स्ट्रिंग को पास कर दिया, यानी एरे के फॉर्म में पास किया, फ्लोट सैलरी यहाँ पर ये डिक्लेयर हो चुका है। और मेन में स्ट्रक्चर के वेरिएबल क्रिएट किया emp और इसको इनिशियलाइज करवा दिया गया, फिर मेन में ही सो नाम के फंक्शन में इन वैल्यूज़ को पास कर दिया, यानी emp डॉट आई डी नंबर, emp डॉट नेम, emp डॉट सैलरी, यानी तीनों ही वैल्यूज इसमें पास हो गई, यानी 10 टॉम 45,000.50 इसमें पास हो गए, और फंक्शन की डेफिनेशन में इन्हें रिसीव कर लिया गया, यानी int id कैरेक्टर emp name फ्लोट सैलरी, और फंक्शन में इन्हीं वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया गया। ये सेम उसी तरीके से काम करता है जैसे कि कोई फंक्शन सिंपल डेटा टाइप के वेरिएबल्स पर काम करता है। अब बात दूसरा तरीका आता है कि क्या हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी डायरेक्टली पास कर सकते हैं, नहीं स्ट्रक्चर मेंबर को पास करने के बजाय, यानी कि जैसे आईडी नंबर नेम और सैलरी को अलग अलग पास करने के बजाय क्यों ना हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को ही पास कर दें। तो बिल्कुल कर सकते हैं, और जैसे हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को पास करेंगे तो उस वेरिएबल में तीनों वैल्यूज एक साथ पास हो जाएंगी। और कैसे पास हो सकती है, दो तरीके यहाँ पर, एक तो है कॉल बाय वैल्यू, दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर तरीका ये आ गया, यानी कि वर्ड फंक्शन का नाम शो है, और यहाँ पर सिंपल डेटा टाइप के अलावा हमने स्ट्रक्ट यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का यूज़ किया, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय और ईएमपी हमने पास कर दिया, ठीक है, ये डिक्लेयर हमने कर दिया, एक तरह से ये प्रोटोटाइप है। मेन में एम्प्लॉय की एक वो हमने वेरिएबल यूज़ किया एम्प्लॉय, और यहाँ पर वैल्यूज स्टोर करवा दी, इनिशियलाइजेशन हो गया, और सिंपली फंक्शन के कॉलिंग में यानी शो और ब्रैकेट में एम्प्लॉय कर दिया, दिस इज द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन सिंपली। अब जैसे हम एम्प्लॉय करेंगे तो ये एम्प्लॉय किस टाइप का वेरिएबल है, ये स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का वेरिएबल है, तो तीनों ही वैल्यूज इससे पास हो जाएंगी। और यहाँ पर फंक्शन डिफाइन हो रखा है, और यहाँ पर रिसीव भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का, यानी कि स्ट्रक्ट एम्प्लॉय नाम का ही वेरिएबल रिसीव करेगा, जैसे रिसीव करेगा तो एम्प्लॉय की सारी वैल्यूज ईएमपी में आकर स्टोर हो जाएगी,
और ईएमपी इन्हीं के थ्रू स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस कर लेगा, जैसे कि ईएमपी डॉट आईडी नंबर, ईएमपी डॉट नेम, ईएमपी डॉट सैलरी। ये बिल्कुल वैसे के वैसे काम हो रहा है जैसे कि हम करते हुए हैं। और कॉल बाय रेफरेंस से कैसे करेंगे, जैसे हमें पता है कि सिंपली वेरिएबल को पास करने के बजाय वेरिएबल के एड्रेस को पास कर दें। और कॉल बाय रेफरेंस का ये भी फायदा होता है कि जब भी हम कोई फंक्शन डेफिनेशन में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो मेन में भी वो ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा, और ये अच्छा भी माना जाता है, पॉइंटर का इस्तेमाल होता है इसमें। तो हमने क्या किया कि स्ट्रक्ट एम्प्लॉय एस्टिक पीटीआर यूज़ कर लिया, वेरिएबल की जगह पर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप का पॉइंटर इस्तेमाल कर लिया, ये प्रोटोटाइप हो गया। और मेन में एड्रेस पास कर दिया, ईएमपी वेरिएबल जो इनिशियलाइज हो चुका है उसका एड्रेस पास करवा रहे हैं, शो एड्रेस ऑफ ईएमपी। इससे क्या होगा कि ईएमपी का एड्रेस पहुंच जाएगा सिंपली, और जैसे एड्रेस पहुंचेगा तो ये माना जाता है कि उस ब्लॉक का एड्रेस चला गया जहां पर इन तीनों की तीनों वैल्यूज स्टोर है, यानी स्ट्रक्चर मेंबर की वैल्यूज स्टोर है। और जिस और फिर इन्हें रिसीव करेगा एम्प्लॉय का पॉइंटर, यानी कि हमें पता है कि एड्रेस को पॉइंटर ही रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पर एस्टिक पी टी आर ई एम पी ब्लॉक के एड्रेस को होल्ड करेगा। और जैसे कि हमें पता है कि पॉइंटर पता होने के बाद हमें किसी भी मेंबर को एक्सेस करना हो तो बेसिकली हम एरो का यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। यहाँ पर पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस किया जा रहा है, जैसे कि पी टी आर एरो आई डी नंबर, पी टी आर एरो नेम, पी टी आर एरो सैलरी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फंक्शन के थ्रू भी हम कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ करके स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के थ्रू या पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्चर मेंबर्स को भी एक्सेस किया जा सकता है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। थैंक यू टू मच।